डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और इसे लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। बता दें कि सोमवार को एक समय रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 51 पैसे नीचे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई थी। उस समय डॉलर की कीमत 77 रुपये 41 पैसे थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर तंज किया है और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने लिखा, भारत के इतिहास में आज रुपया ICU में है। मार्गदर्शक मंडल की उम्र कब की पार कर चुका है। NPA 75 साल में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक बेरोजगारी है। महंगाई की मार ने कमर तोड़ दी है। सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल है। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस पार्टी ने भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रुपये की कीमत पर केंद्र सरकार को घेरा है और कहा है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई है। कांग्रेस ने तेल की कीमत और शेयर बाजार की गिरावट का भी जिक्र किया है।